Hey guys, कभी आपने सोचा है कि गेमिंग में RGB इतना पॉपुलर कैसे हुआ? Like पहले कीबोर्ड, माउस, हेडसेट्स और अब आपको मदरबोर्ड, कूलर्स, रैम, इनफैक्ट माउसपैड और गेमिंग चेयर जैसे चीजें भी RGB में देखने को मिलती है। बट व्हाट इज द रीजन, ये RGB आया कहाँ से, आज गेमिंग में इतना पॉपुलर ये कैसे है? हिस्ट्री की बात करूँ तो सबसे पहले रेड कलर की LED 1960s में इन्वेंट हुई। उसके बाद ग्रीन, येलो और ऑरेंज जैसे कलर्स इन्वेंट हुए। बट हमें सारे कलर्स अचीव करने के लिए ब्लू LEDs की जरूरत थी, जिसकी इन्वेंशन को 30 साल लग गए, जो कि 1990s में इन्वेंट हुआ। ब्लू काफी इंपॉर्टेंट कलर था, जिसके लिए ब्लू LED के इन्वेंटर को नोबेल प्राइज भी मिला 2014 में। तो रेड, ग्रीन और ब्लू का यूज करके हम बहुत सारे कलर डिराइव कर पाए। इन RGB कलर्स के इंटेंसिटी को मिक्स करके हम नया कलर बना सकते हैं। तो ये था ओरिजिन RGB लाइट्स का। बट ये गेमिंग में कैसे पॉपुलर हुआ, इसका कोई एक एग्जैक्ट रीजन नहीं है, बट इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन है वैरायटी। आप किसी एक चीज को अपने मल्टीपल वर्जन्स में देख सकते हो। जैसे आपका कीबोर्ड, जैसे वो ग्रीन कलर में है तो आप ग्रीन कलर से बोर होने पे उसे रेड या फिर येलो या फिर पर्पल में चेंज कर देते हो, तो विजुअली आपको उस कीबोर्ड के मल्टीपल वर्जन्स मिलते हैं। ऑफ कोर्स नेक्स्ट रीजन हो जाता है शो ऑफ। जैसे कुछ लोग ज्यादा गोल्ड पहन के शो ऑफ करते हैं, वैसे गेमर्स RGB का यूज करके शो ऑफ करते हैं। ये एक टाइप का फ्लेक्स होता है, जिसमें गेमर्स बताते हैं कि मेरा PC अच्छा चलने के साथ साथ ये अच्छा दिखता भी है। वो अलग बात है कि लोग RGB को आजकल ओवरकिल कर देते हैं। वो उनको मैटर नहीं करता कि वो उतना अच्छा दिख रहा है कि नहीं, पर RGB दबा के होना चाहिए मेरे PC में। और एक रीजन ट्रेंड भी हो सकता है, मतलब मेरे दोस्त के पास RGB चेयर है तो मैं भी RGB चेयर ही लूंगा। और ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से RGB इतना पॉपुलर हो गया है, और कंपनीज भी इसलिए RGB प्रोडक्ट ज़्यादा बना रही हैं। भले से वो अंदर की चीज़ उतनी अच्छी ना दे, बट RGB तो वो लगा के ही देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले और इंटरेस्टिंग टेक कंटेंट के लिए टेक बैटल को सब्सक्राइब करें, और गेमिंग कंटेंट के लिए गेम बैटल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।